प्रबंधन के लिए पीएचडी की उपाधि दी गई है, हाँ, क्या कहना चाहिए? बिजनेस प्रबंधन के लिए जो उपाधि दी गई है ये मेरा सौभाग्य है और लोगोज यूनिवर्सिटी ने मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कार्य कुशलता को देख के उसने जो अवार्ड दिया है मैं उसे बारंबार धन्यवाद पहले तो देता हूँ। उसका ये मेरा क्षेत्र था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आज 25 साल से लगभग मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो इस क्षेत्र को मैंने बहुत बखूबी देखा है और मैं चाहूँगा कि समाज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मैं एक बड़ा कार्य करूँ, लोगों को अपना एक्सपीरियंस साझा करूँ। एज ए डॉक्टरेट मुझे जो डिग्री मिली है उसके लिए मैं पूरे यूनिवर्सिटी को, मैनेजमेंट को और बाकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद आने वाली क्या क्या योजना है आपकी? मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य करूँगा और जो कि लोगों को बिजनेस कैसे की जाए, बिजनेस की मैनेजमेंट कैसे की जाए, सिस्टम कैसे चलाया जाए, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसे ली जाए, बनाई जाए, वो उसके लिए मैं लोगों को सहयोग करूंगा और समाज में बिजनेस के लिए अवेयरनेस पैदा करूंगा। धन्यवाद। चलो सर, आज आपको पीएचडी की उपाधि मिली है। आज लोगोस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो यूएसए का यूनिवर्सिटी है, आज उस यूनिवर्सिटी ने मुझे सोशल सर्विसेज में पीएचडी की उपाधि दी है। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद करता हूँ, इनके सभी व्यवस्थापक, संस्थापक, डायरेक्टर और जो भी लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिस फील्ड के लिए इस यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी है वो सोशल सर्विसेज है। सोशल सर्विसेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें आप समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और भारत में जिस तरह से सोशली आप किस तरह से एक्टिव रहते हैं और किस तरह से सभी समाज के लोगों के लिए, चाहे वो समाज शोषित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो और ऐसे समाज जो कि आज तक नीचे तक लोग नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों के काम करने के लिए मुझे इस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की उपाधि दी है। मैं यहाँ आकर, आज इस कॉन्वोकेशन में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और एक बड़ा जीवन में एक जो सुखद पल है वो मेरे लिए इस आज का दिन और आज का अभी का समय बहुत सुखद पल है। मैं पूरे यूनिवर्सिटी को दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे भी ऐसे ही समाज के लिए काम करता रहूँगा, सोशल सर्विसेज क्षेत्र में काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आने वाले जनरेशन क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम और सभी लोगों को एक साथ लेके चलने की बात होती है, सबको जोड़ने की बात होती है, सभी समाज के लिए कैसे जो लोग समाज में पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही करूँगा कि जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है कि सबको जोड़ते हुए देश को आगे बढ़ाना है, देश को ही नहीं विश्व को एक कल्याण के मार्ग पर ले जाना है। मैं आपके चैनल से यही संदेश देना चाहूँगा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कि आप समाज के क्षेत्र के लिए काम करते रहें और भारत को जोड़ने का काम करते रहें, विश्व को जोड़ने का काम करते रहें। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।